तो जी हाँ, आज हम आए हैं हमारे अपने प्रोजेक्ट एस्कॉन प्राइमेरा में। सो फ्रेंड्स, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको सबसे पहले दिखाने वाला हूँ हमारा 2250 स्क्वायर फीट का 3+ स्टाफ क्वार्टर का सैम्पल फ्लैट। एंड उसके बाद मैं आपको एक बार हमारी प्रोजेक्ट की लोकेशन, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी जो कि हम मिवान कंस्ट्रक्शन या टोटल RCC कंस्ट्रक्शन के में दे रहे हैं, एंड जो आउट ऑफ फसाड एंड एमिनिटीज प्रोजेक्ट में रहने वाली है उसके बारे में मैं आपको एक ब्रीफ में बताना चाहूँगा। तो दोस्तों, अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ हमारे 2250 स्क्वायर फीट का सैम्पल फ्लैट। मैं आपको बताना चाहूँगा सर, ये एक फ्लोर पे सिर्फ दो ही अपार्टमेंट है दे रहे हैं हम, एंड दोनों ही अपार्टमेंट बोथ साइड ओपन है। सो आपको दोनों ही व्यूज़ मिलते हैं बोथ साइड, जिसमें से पार्क फेसिंग, हाईवे फेसिंग रहने वाले हैं, एंड सेकंड व्यू आपका हिल फेसिंग एंड मोहाली फेसिंग रहने वाला है। तो मैं आपको अपना एक सैम्पल फ्लैट दिखाना चाहूँगा। बहुत ही प्रीमियम फिनिश का हमने फ्लश डोर दिया है इसमें, टिक वुड वाला। एंड इस फ्लैट का जो प्राइमरी थीम है वो प्राइवेसी के साथ है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, वी हैव अ वेरी ह्यूज एंट्री फॉयर, एंड एंट्री फॉयर के साथ ही हमारा फर्स्ट बेडरूम है। इस फर्स्ट बेडरूम की ओरिएंटेशन इस हिसाब से है कि आपके बाकी के जो फ्लैट है उसकी प्राइवेसी को ये हिंडर या ब्रिज नहीं करता। तो मैं अभी आपको दिखाना चाहूँगा अपना फर्स्ट बेडरूम, जिसको आप एक गेस्ट रूम की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम एंटर करने जा रहे हैं हमारे गेस्ट रूम में। काफ़ी स्पेशियस हमारा जो गेस्ट रूम है 11x14 का। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, किंग साइज बेड प्लेस करने के बाद भी हमारे पास बहुत ही एम्पल स्पेस बचता है। इसके साथ ही आप अपनी सीटिंग अरेंजमेंट्स भी कमरे के अंदर ही कर सकते हैं। एंड इसके साथ हमारा एक बहुत ही ओपन वाइड स्पेस है बैल्कनी का। साउंड प्रूफ नॉइस कैंसिलेशन UPVC पैनल्स इसमें दे रहे हैं, एंड यहाँ से एंट्री है हमारी रनिंग बैल्कनी की। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो मेरी रनिंग बैल्कनी है काफ़ी स्पेशियस एंड वाइड है। 6 feet इज़ द मिनिमम विड्थ ऑफ द बैल्कनी दैट वी आर गिविंग। इसकी लेंथ 21 फीट की रहने वाली है, एंड मैं रेलिंग की बात करूँ तो 4 feet की इसमें रेलिंग है, जिसमें से 1.5 feet की स्कर्टिंग रहने वाली है जो इसको और भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी। इसके साथ ही इस सेक्शन से हमारे जो बैल्कनी की लेंथ है वो 11 फीट है। साथ ही हमारा अटैच्ड वॉशरूम है, एंड काफ़ी स्पेशियस वॉशरूम रहने वाला है। एज इट इज़ आपको इसमें फिटिंग्स मिलेगी, एंड जैगवार, कोहलर एंड ग्रोहे के डिफरेंट वेंडर्स हमने इसमें शॉर्टलिस्ट की है, जो आपके अकॉर्डिंग आपके वॉशरूम्स को कस्टमाइज करके जाएंगे। एंड फुल वॉल हाइट टाइल्स इसमें हम लगा के दे रहे हैं, प्लस डाउन सीलिंग एज इट इज़ आपको मिलेगी। तो गेस्ट रूम्स तो मैंने आपको भी दिखा दिया है। इसके बाद मैं आपको अपने ग्रैंड लिविंग एंड डाइनिंग स्पेस दिखाना चाहूँगा। बट फर्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगा, हम इस प्रोजेक्ट में लार्सन एंड टर्बो, जो इंडिया की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इसकी सारी की सारी कंड्यूटिंग्स प्रीमियम सेगमेंट में यूज़ कर रहे हैं जी हम। एंड इसके साथ ही एंट्री आती है मेरी ह्यूज ड्राइंग एंड डाइनिंग स्पेस की। 24x14 की इसकी डायमेंशन रहने वाली है, एंड इस कॉर्नर में आप 7 to 9 पीपल का मास्टर सोफास के साथ सीटिंग की अरेंजमेंट कर सकते हैं। एंड साथ में ही आपका स्पेस है हमारी बैल्कनी के लिए। इसके साथ ही हमारे ड्राइंग एंड डाइनिंग के इस सेक्शन में आप ग्लास पार्टीशन से कस्टमाइज करके इस लोकेशन को बार काउंटर, लाइब्रेरी या क्रॉकरी के लिए कुछ एस्थेटिकली आप क्लोजेट्स भी इसमें बना सकते हैं। इसके साथ ही हमारा जो डाइनिंग सेक्शन है, इसमें आप 6-seater डाइनिंग टेबल आराम से असेंबल कर सकते हैं। डाइनिंग सेक्शन के साथ ही मेरे फ्लैट का शो स्टॉपर है, वो है मेरे फ्लैट का किचन। जी हाँ दोस्तों, 12x13 feet का किचन है। इस रोड का सबसे बड़ा किचन आपको एस्कॉन प्राइमेरा में ही मिलता है। कि 12x13 के जो डिमेंशन है, ये जस्ट मेरे
वर्किंग सेक्शन का है जैसे कि आप देख सकते हैं, एंड इसके साथ आपकी हाइजीन एंड प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए हमारा जो वॉशिंग सेक्शन है वो आउटसाइड दिया है, जो हमारा वेट एरिया है वो आउटसाइड रहने वाला है। ये वेट सेक्शन के साथ हमने लॉन्ड्री के लिए भी स्पेस दिया है यहां पे। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको ले जाने वाला हूं अपने मास्टर बेडरूम में। बट अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल प्रॉपर्टी एक्सपर्ट को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए फॉर एनी फ्यूचर अपडेट्स एंड एक्सक्लूसिव ऑफर्स। तो अब हम आते हैं हमारे मास्टर बेडरूम में। 11x15 का इसका स्टैंडर्ड डायमेंशन होने वाला है। काफ़ी ह्यूज स्पेस इसमें हमने दे रखी है, एंड इसके साथ ही हमारा 7x5 का मल्टी पर्पस स्पेस भी है, जिसमें आप पूजा या फिर क्लोजेट्स या स्टोर रूम अपने हिसाब से आप कस्टमाइज कर सकते हैं इस स्पेस को। एंड इसके साथ ही जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है हमारा ड्रेसिंग सेक्शन। अगेन 7x5 का ड्रेसिंग सेक्शन होने वाला है, तो काफ़ी ह्यूज स्पेस एंड आपको फुल वॉल हाइट क्लोजेट्स हम इसमें दे रहे हैं। एंड इसके साथ ही हमारा मास्टर बेडरूम का मास्टर वॉशरूम है। जैगुआर की ब्रांडेड फिटिंग्स के साथ आने वाला है आपका ये वॉशरूम। काफ़ी स्पेशियस एंड लग्जरियस वॉशरूम हम आपको बना के देंगे। दोस्तों, हमारे इस 2250 स्क्वायर फीट के फ्लैट की सबसे खासियत यह है कि इसके हर कमरे के साथ उसकी सेपरेट प्राइवेट बालकनी रहने वाली है। तो मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ हमारे मास्टर बेडरूम की बालकनी, बहुत स्पेशियस बालकनी रहने वाली है। 9x6 की स्पेशियस बालकनी हम इसमें दे रहे हैं, एंड अगेन 4 हाई रेलिंग एंड 1.5 की स्कर्टिंग का ऑप्शन इसमें स्टैंडर्ड रहने वाला है। साउंड प्रूफ नॉइस कैंसिलेशन यू PVC पैनल इज विल बी स्टैंडर्ड अक्रॉस एवरी सेगमेंट। तो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ हमारा नेक्स्ट बेडरूम, एंड आप इस बेडरूम को अपने किड्स बेडरूम की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इस बेडरूम के एंट्री पे ही हमारा वॉशरूम सेक्शन है। कोहलर की ब्रांडिंग फिटिंग के साथ हम इसे दे रहे हैं, एंड काफ़ी ह्यूज स्पेशियस बेडरूम ये रहने वाला है। फुल हाइट क्लोजेट्स हम इसमें आपको दे रहे हैं, एंड जैसे कि मैंने कहा था हर कमरे के साथ उसकी प्राइवेट बालकनी है, तो इस किड्स बेडरूम की भी एक काफ़ी स्पेशियस प्राइवेट बालकनी रहने वाली है। एंड हमारी हर बालकनी पार्क फेसिंग एंड हाईवे फेसिंग के एक्विजिट व्यू के साथ रहने वाली है। तो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं हमारे 2250 के स्क्वायर फीट के फ्लैट के 3+1 के +1 सेक्शन को, जिसको आप एज अ वर्क फ्रॉम होम स्पेस, अ स्टडी रूम, अ स्टाफ क्वार्टर और अ स्टोर रूम किसी भी हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। और ये वर्क फ्रॉम होम स्पेस आता है अटैच्ड वॉशरूम के साथ। सो दोस्तों, अब सैंपल फ्लैट के बाद मैं आपको बताना चाहूँगा हमारी लोकेशन। गमाडा एक्सटेंशन PR7 पे हमारा प्रोजेक्ट सिचुएटेड है। 19 एकड़ की टाउनशिप है, जो कि गमाडा एक्सटेंशन की सबसे बड़ी टाउनशिप है, एंड इट इज़ द ओनली एक्सक्लूसिव जो बैंग ऑन हाईवे प्रॉपर्टी है एंड हैज़ अ कॉर्नर प्लॉट।
अब इस 19 एकड़ में मोर देन 6.5 एकड़ का मेरा ग्रीन एरिया रहने वाला है एंड करंटली हम सिर्फ 22% एरिया पे ही कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, रेस्ट 78 ग्रीन एंड ओपन एरिया रहने वाला है। राइट नाउ स्टिल्ड प्लस 18 फ्लोर केस में हम हाई राइज टावर बना रहे हैं एंड जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी हम यूज़ कर रहे हैं वो कोई ऑर्डिनरी ब्रिक या ब्लॉक नहीं कर रहे हैं। जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट है एंड एक मोनोलिथिक कंक्रीट कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी को मलेशिया से हम यहाँ लेके आए हैं, मिवान कंस्ट्रक्शन जिसे कहते हैं। सेकेंडली इसमें जो स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन है नॉर्मल कंस्ट्रक्शन से एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स ज़्यादा होती है, फास्टर। जो आप इन बैकग्राउंड में कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं ये हम करंटली 2.5 महीने में पूरा कर चुके हैं। ऑलमोस्ट 2.5 महीने में हमने 9 स्लैब्स कास्ट कर दिए हैं। सो अब मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे एमिनिटीज़ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 35,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस एस्कॉन कल्चर के नाम से हम इसमें ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसे हम 4 to 6 मंथ्स में फुली फर्निश्ड कर देंगे। हेल्थ एंड फिटनेस का हमने इसमें खासा ध्यान रखा है। क्लब हाउस में अप्रॉक्सीमेटली 10,000 स्क्वायर फीट का आपका जिम का सेक्शन रहने वाला है एंड अक्रॉस द पेरीफेरी ऑफ दिस प्रोडक्ट हमारे पास 1-2 किलोमीटर के डिस्टेंस में 8 फीट वाइड साइकिलिंग रनिंग जॉगिंग ट्रैक भी हमने प्रोवाइड किया है। तो वर्चुअली तो आप हमारी साइट में विजिट कर ही चुके हैं, अब मैं आपको इन्वाइट करना चाहूँगा फॉर आवर साइट विजिट। एंड साइट विजिट के लिए नीचे दिए नंबर पर कॉल कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स।